पूरा ब्राउन पेपर से कवर हो गया ये रावण देख रहे हो, मतलब भाई मुकुट वगैरह सब ताज वगैरह ये देख रहे हो भाई पूरा रावण का फेस। और ये जो ब्राउन पेपर है भाई ये चाइना से एक्सपोर्ट कराया जाता है, आप देख रहे हो भाई ये कुछ पेपर होता है इसको काट के देख रहे हो भाई कैसे लगा है, मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये चेक करो ये देखो पूरा तैयार हो गया। और उधर पहले कुछ ऐसे थी और अब पेपर करने के ढकने के बाद देख रहे हो भाई कैसे हो गई 20-25 दिन में इतना सारा काम कर भी लिया, 40-40 लेबर लगी हुई है। और बाकी ये देख रहे हो भाई कितनी मोटी मोटी बांसें काट कर देख रहे हो भाई कितने मतलब बराबर लेवल पे काट रखी है, बिल्कुल बराबर लेवल पे 800 रुपए पर फुट से भाई इधर आपको रावण चालू हो जाएगा। सो हेलो गाइस व्हाट्सअप कैसे सब, होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता ही है भाई कि मेरे चैनल पे भाई दशहरा सीरीज चालू हो गई है, बाकी भाई आप मेरे पीछे चेक कर सकते हो भाई आज रावण पे भाई फाइनली पेपर वर्क भी डन हो चुका है भाई ये देख रहे हो, मतलब भाई इतने दिन से हम ब्लॉग बना रहे थे रावण का मतलब रावण से रिलेटेड भाई, मैं आपको मेरे चैनल में मतलब कहते हैं ना जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ जो भी मेरे चैनल पे नया आया है ना चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, जो तुम भाई रावण की वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो ना वो तुम्हें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरे दिमाग में जो जो चीज़ आती है जो जो मेरे दिमाग में आता है जो जो तुम मेरे को कमेंट करते हो वो सारी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप रावण से रिलेटेड आप देख सकते हो रावण कैसे बनता है रावण के ऊपर कैसे लगता है रावण की जो बाइक फेविकोल होती है वो कैसे बनती है दिल्ली में सबसे पहले रावण किसने बनाया, तो भाई आपको सारा अपडेट मेरे चैनल में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे पीछे देख भी सकते हो भाई पूरा पेपर वर्क डन हो चुका है, ब्राउन पेपर चढ़ चुका है भाई, अब बाकी भाई इनकी बारी है बस पेंट करने की, बाकी आप देख लो भाई पूरा ब्राउन पेपर से कवर हो गया ये रावण की देख रहे हो, मतलब भाई मुकुट वगैरह सब ताज वगैरह ये देख रहे हो भाई पूरा रावण का फेस भाई पूरा ब्राउन पेपर से कवर है, बस इसके ऊपर है पेंट करने की बारी है सब खत्म। और ये जो ब्राउन पेपर है भाई ये चाइना से एक्सपोर्ट कराया जाता है, आप देख रहे होगे भाई इस पे चाइनीज भाषा भी लिखी हुई है भाई, ये यहाँ का पेपर नहीं है बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि अगर भाई बारिश वगैरह होती है ना तो ये इसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होगा, इसके ऊपर पानी ऐसा कैसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये केमिकल के अंदर डलते हैं पेपर उसके बाद ये भाई ये लगते हैं यहाँ पे, ये चेक कर रहे हो भाई ये सारे रावण पे देख रहे हो भाई इधर फेस वगैरह पे पेपर वगैरह लग रहा है, ये चेक करो ये कुछ पेपर होता है इसको काट के देख रहे हो भाई कैसे लगा है, मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये चेक करो ये देखो पूरा तैयार हो गया और उधर तैयार कर रहे हैं, मैं आपको उधर से दिखाता हूँ ये देख रहे हो भाई चाइना से एक्सपोर्ट वाला पेपर है और इस पेपर की क्वालिटी भी कुछ अलग ही है, देख रहे हो भाई कितना हार्ड पेपर है ये चेक करो भाई कितना हार्ड पेपर है, इसकी आवाज़ सुनो देख रहे हो खतरनाक है ना, बाकी भाई अभी चेक कर सकते हो भाई साहब ये रावण की क्या तलवार बन रही है भाई देख रहे हो भाई पूरी तलवार इन्होंने कवर कर दी, पहले कुछ ऐसे थी और अब पेपर करने के ढकने के बाद देख रहे हो भाई कैसे हो गई मस्त है। भैया वैसे आप कितने दिन से लगे पड़े हो यहाँ पे, हाँ 9-10 दिन हो गए, 9-10 9 अच्छा 20-25 दिन हो गए, 20-25 दिन में इतना सारा काम कर भी लिया, 40-40 लेबर लगी हुई है, बाकी भाई आप देख रहे हो पूरा दिन रात इन्होंने एक कर रखी है, रात को सोने का मौका भी नहीं मिलता, बाकी देख लो। अच्छा और बाकी जो आप एक गोंद लगाते हो ये गोंद कैसे बनती है कुछ आइडिया दे सकते हो, बताओ जी लेवी कैसे बनती है? ये लेवी जो है ये कैसे बनती है कुछ आइडिया दे सकते हो, जैसे घर पे अगर रावण बनाना हो बच्चों को छोटा छोटा तो ये लेवी अगर उनको चाहिए तो कैसे बनानी पड़ेगी, घर के अंदर 100 ग्राम अरारोट लेकर के एक फ्राई पैन के अंदर आधा किलो पानी डाल के गर्म करके उसके अंदर वो पानी का घोल बना के अच्छा हिलाते रहे उसको हिलाते रहो अच्छा वो अपना आप अपने आप बन जाएगी, फिर ठंडी होने के बाद लगा दे हार्ड हो जाएगी वो एकदम लेयर है ना, बाकी भाई देख लो आपको गोंद भी बता दी। और बाकी ये देख रहे हो भाई कितनी मोटी मोटी बांसें काट कर देख रहे हो भाई कितने मतलब बराबर लेवल पे काट रखी हैं बिल्कुल बराबर लेवल पे, और इस समय हम भाई जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भाई अभी हम खड़े हैं कुकरेजा हॉस्पिटल की बैक साइड पे टैगोर गार्डन, मतलब कहते हैं ना भाई ये एशिया की नंबर वन मार्केट है वेस्ट दिल्ली में, एशिया की नंबर वन मार्केट, और भाई देख रहे हो कितना तेजी से काम कर रहे हैं ये देखो भाई ऑलमोस्ट भाई सारे फेस कवर हो चुके हैं, बाकी भाई इधर ये फेस बन भी रहे हैं और बाकी इधर बन के रेडी हैं, इन पे पेपर वर्क होना बाकी है, और बाकी भाई ये देखो पूरे जोरों शोरों से इधर तैयारी भी चल रही है, खतरनाक है भाई खतरनाक एकदम, ये चेक करो ये यहाँ से भाई ये लेवी लगा के गैस इधर करके उधर रखते हैं और उधर से भाई वो लगा रहे हैं देख रहे हो ये चेक करो, और इसको सूखने में पूरा एक दिन लग जाता होगा, 15 मिनट में सूख जाएगा, अच्छा 15 मिनट में सूख जाएगा भाई लो 15 मिनट में सूख जाएगा है ना, फिर खतरनाक क्या कह रहे हो भैया, अच्छा 12 दिन बाद हंस रहे होंगे, और ये
बड़े खुश हो रहे होंगे यहाँ के लोग और ये जाने की तैयारी के अंदर विदाई होगी यहाँ के। अच्छा लो भाई, लो भैया कह रहे हैं रावण की यहाँ पे विदाई होगी 12 दिन के बाद, मतलब दांत वगैरह सब लग जाएंगे रावण के अंदर, सब कुछ डन हो जाएगा। और बाकी अगर रावण आपसे ऑर्डर तो बनवाना हो तो आप ऑर्डर तो बना दोगे? ऑर्डर भी बना देते हैं। तो कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा? ये आपको देना पड़ेगा महीना दो महीने पहले। महीना दो महीना पहले? रावण को तो भाई अपना 25 से 24 दिन रह गए पर यार। अच्छा डिजाइन वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है। और बाकी जो है कितने रुपए पर फुट से रावण स्टार्ट हो जाएगा? 800 रुपए पर फुट से भाई इधर आपको रावण चालू हो जाएगा। और बाकी जब अगर रावण लेकर देंगे वो कन्नन साहब अपनी प्रोवाइड करोगे और हम अपनी लेकर आए? टाइगर जो रावण लेगा मेरा पुतला पुतला मिलेगा आपको। अच्छा कन्नन वगैरह सब हमारी होगी? सब हमारी। बाकी आप रावण एक नंबर दोगे है ना? बाकी अगर आपसे कोई कांटेक्ट वगैरह करना हो, कोई नंबर वगैरह दे सकते हो? नंबर दे सकते हैं, नंबर 85 88 00 84 84 05 05। क्या नाम है भैया? चेतन रावण वाले पवन रावण वाले के कलाकार। अच्छा लो भाई लो, बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ डिटेल दे दी। अगर कुछ भी मेरे से अगर आपने पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो। बाकी भाई इधर पूरी दिन रात मेहनत लग रही है और आपको ऐसे ऐसे अपडेट्स मैं रावण के और भी देता रहूंगा। बाकी अभी फिलहाल भाई यहाँ पे अभी पेपर वर्क डन हो चुका है और पेपर वर्क चल भी रहा है, मतलब आप ये भी कह सकते हो कुछ रावणों पे पेपर वर्क डन भी हो गया और चल भी रहा है। और बाकी भाई इधर देखो तो रावण पे अभी भाई हड्डियाँ लग रही हैं, ये चेक करो मैं आपको पीछे से दिखाऊं। भाई ये देख रहे भाई अभी रावण पे बाद से भी लग रही हैं, है ना फिर चीज़ खतरनाक। बाकी अभी के लिए इतना ही, अगर और कुछ अगर मेरे से पूछना हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैम मेरे को अगर नहीं पता होगा तो मैं भैया से पूछ के आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको मेरा आज वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।